CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम हाथ और पैर। आलेख यूसुफ पापा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। मेरे प्यारे बच्चों, हाथ उठाओ। अरे भाई हाथ उठाओ। हाँ हाँ ठीक है, हाथ नीचे करो। ठीक है, अच्छा अब पैर फैलाओ। हाँ हाँ पैर फैलाओ। अरे रे 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 रे, एक दूसरे को धक्का मत दो। हाँ 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 ठीक है, अब पैर समेट दो। अरे भाई पैर समेट लो। क्यों भाई, हिलने डुलने में मजा आया? पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से लड्डू खाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पुस्तक लाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पेट खो जाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से चित्र बनाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं। अच्छा एक बात तो बताओ, खाना हाथ से खाते हो या नाक से? बताओ भाई, खाना हाथ से खाते हो या नाक से? हाँ हाँ हाथ से खाना खाते हैं। अगर नाक में खाना चला जाए तो क्या होगा? अरे बताओ, अगर नाक में खाना चला जाए तो क्या होगा? छींक आएगी। हाथों से लिखते या पैर से? हाथ से लिखते हो। किसी बालक ने तुम्हारी कॉपी ले ली, अब बताओ कॉपी हाथ से छीनोगे या पैर से? बताओ कॉपी हाथ से छीनोगे या पैर से? शाबाश, हाथ से छीनोगे। अच्छा बच्चों, किसी साथी के गुदगुदी करनी है तो गुदगुदी हाथ से करोगे या पैर से? हाँ भाई हाथ से। गुदगुदी से क्या होता है? गुदगुदी से क्या होता है बताओ बताओ? अरे वो कौन बच्चा है जो इधर उधर देख रहा है? इधर देखो और गौर से सुनो। बच्चों सबको अपना मुंह धोना है, किससे धोओगे, हाथ से या पैर से? हाथ से। अरे ये बीच में पैर से कौन कह रहा है? अरे पैर को मुंह पर रगड़ोगे? अरे नहीं भाई नहीं 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 नहीं। अच्छा पेट हाथ से खुजलाओगे या पैर से? बताओ पेट हाथ से खुजलाओगे या पैर से? ठीक है हाथ से खुजलाओगे। अच्छा बच्चों मजे उड़ाना है, चना चबाना है, चना मुंह में कैसे डालोगे, हाथ से या नाक से? बताओ चना मुंह में कैसे डालोगे, हाथ से या नाक से?
हां भाई, हाथ से चना मुंह में डाला जाएगा, फिर दांत से चबाया जाएगा। कटर 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 कटर। अच्छा बच्चों, सिर में तेल कैसे डालोगे, हाथ से या पैर से? बताओ, सिर में तेल कैसे डालोगे, हाथ से या पैर से? हाथ से। शाबाश, सिर में तेल हाथ से डाला जाता है। अगर चांटा मारना हो तो वो किससे मारोगे, हाथ से या पैर से? हाथ से। बच्चों, हाथ बहुत काम की चीज है, न जाने इससे कितने काम किए जाते हैं। मान लो कोई रो रहा है, उसे चुप कराने के लिए उसका मुंह बंद करना है, तो मुंह हाथ से बंद किया जाएगा, फिर भी थोड़ी देर तक आवाज निकलेगी। पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से लड्डू खाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पुस्तक लाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पेट खुजाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से चित्र बनाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ पैर किस लिए होता है? अरे बताओ, पैर किस लिए होता है? बताओ बताओ। हाँ हाँ भाई, पैर चलने के लिए होता है। पैर न हो तो कोई चल नहीं सकता। तुमको घर से बाग में जाना है, किससे चलकर जाओगे, हाथ से या पैर से? हाँ हाँ बताओ बताओ। पैर से चलकर जाओगे, हाथ से नहीं। अगर हाथ से चले तो क्या होगा, पैर ऊपर होगा और सर नीचे, उल्टे हो जाओगे, धड़ से गिरोगे। अच्छा बताओ, इन पैरों से और क्या करते हो? बताओ, इन पैरों से और क्या करते हो? फुटबॉल खेलते हो। फुटबॉल खेलते समय पैरों का ध्यान रखना बड़े काम की चीज है। चोट लग जाए बेटा तो पट्टी बंधवा देना, तब पैर ठीक रहेंगे। अच्छा बच्चों बताओ, और पैर का क्या काम है? बच्चों बताओ, और पैर का क्या काम है? अरे बताओ बताओ। अच्छा, साइकिल कैसी चलाते हैं, हाथ से या पैर से? हाँ बताओ, साइकिल कैसे चलाते हैं, हाथ से या पैर से? हाँ भाई, साइकिल पैर से चलाते हैं। पैडल पर पैर रखकर दबाते हैं, पैडल घूमता है, साइकिल चलती है। हाथ से हैंडल पकड़ते हैं, साइकिल को गिरने से बचाते हैं। पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से लड्डू खाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पुस्तक लाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पेट खुजाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से चित्र बनाते हैं, पैर से चलकर जाते हैं। लल्लू नाम का एक लड़का था,
उसके पास एक सुंदर डिबिया थी। वो बाहर डिबिया से खेल रहा था। इतने में एक चील आई, डिबिया झपट ले गई और जंगल में चली गई। लल्लू ने खाना पीना छोड़ दिया। लल्लू के पिताजी ने कहा, बेटा तू खाना खा, गाना गा, पानी पी, मैं तुम्हारी डिबिया खोज कर लाऊंगा। मेरे हाथ पैर मजबूत हैं, ठीक हैं। लल्लू ने कहा, मैं खाऊंगा, लेकिन जब तक डिबिया नहीं, मेरे हाथ पैर बेकार हैं। लल्लू के पिताजी चले जंगल में खोजने लगे। पैर से चलते 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 थक गए। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हाथ ने मदद की। हाथ से पैर को दाबने लगे। थकान दूर हुई। फिर पैर से चले। एक नदी पड़ी। अब क्या करें? हाथ से लकड़ी काट कर नाव बनाई। पैर से चलकर नाव पर बैठे। हाथ से चप्पू चलाया। नाव चलने लगी। नदी को पार किया। नाव से उतरे। फिर पैर से चले तो क्या देखते हैं? एक पेड़ पर चील का घोंसला है। घोंसले में चील बैठी है। वहीं डिबिया भी रखी हुई है। लल्लू के पिताजी बहुत खुश हुए। हाथ और पैर की मदद से पेड़ पर चढ़ने लगे। पेड़ बहुत ऊंचा था, परंतु लल्लू के पिताजी हाथ से पकड़ते और पैर से जकड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते आखिर घोंसले तक पहुंच गए। डिबिया को देखा, बहुत खुश हुए। हाथ से डिबिया उठाई, जेब में रखी। हाथ और पैर की मदद से नीचे उतरे। अब क्या था? पैर चलने लगे, हाथ हिलने लगे। आखिर चलते चलते घर वापस आए। लल्लू को डिबिया दी। डिबिया पाते ही लल्लू बहुत खुश हुआ। हाथ से ताली बजाने लगा, पैर से नाचने लगा। हाँ भाई, और फिर किस्सा खत्म, पैसा हजम। अब तुम सब भी ताली बजाओ। अरे बजाओ बजाओ, ताली बजाओ। पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से लड्डू खाते हैं। पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पुस्तक लाते हैं। पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से पेट खुजाते हैं। पैर से चलकर जाते हैं, हाथ से चित्र बनाते हैं। पैर से चलकर जाते हैं। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।